खबर मंगलोर से है, जहां हरिद्वार जिले में एक बार फिर शराब के सेवन से हुई ग्रामीणों की मौत को लेकर राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। इस घटना पर कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धर्म नगरी हरिद्वार में तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार जिले में जहरीली शराब कैसे उपलब्ध हो रही है जो लोगों की जिंदगियों को जाड़ रही है। तीर्थस्थल में जहरीली शराब का आना सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। दरअसल लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ उर्फ तेलीवाला फूलगढ़ में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि प्रशासन ने पथरी थाना इंचार्ज और क्षेत्र आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और घटनाक्रम की जांच की जा रही है। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हरिद्वार जनपद को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध शराब की स्थली बना दिया। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की 50 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी। आज यहाँ पर लगभग 7 लोगों की नकली शराब पीने से जान जा चुकी है और भी जाने यहाँ जा सकती हैं उसी कांड में। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का चोला ओढ़ती है, धर्म की बात करती है और हरिद्वार जनपद को इन्होंने नशे का अड्डा बनाकर छोड़ दिया।